तुम्हारा? किसे कहते हैं अपना परिवार? पता भी है तुम्हें? हाँ, ये कार्तिक, कार्तिक हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे हर सुख दुख में सगे बेटे की तरह आकर खड़ा रहता है, और तुम परिवार को बिखेर के रख दिया, सब कुछ खत्म कर दिया तुमने। किसे कहते हैं अपना परिवार? तुम हमारे बेटे नहीं हो सकते, और ना ही तुम्हारा परिवार है, समझे? अम्मा, मत कहो मैं अम्मा। हम तुम्हारी अम्मा नहीं है। हमसे छिपकर तुम सौम्या के साथ दूसरी शादी कर रहे थे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस हरकत को तुम्हारे अम्मा पापा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारी छोड़ो अदित, तुमने अपने दो मासूम बच्चों के बारे में भी तुमने एक बार नहीं सोचा कि उनका क्या होगा। तुमने मंगल के साथ दूसरी बार शादी करके उसके पीठ में छुरा भोंक दिया। जो मंगल तुम्हारी एक आवाज पर तुम्हारे आगे पीछे भागती दौड़ती रहती, जो तुम्हारे लिए सब सबका मंगल ये करती थी, मंगल वो करती थी। कभी मेरे बारे में सोचा है आप लोगों ने? आपका बेटा हूँ, मेरी खुशियाँ, मेरी पसंद नापसंद उसके बारे में सोचा है? अरे सोचा होता ना तो उस मंगल को मेरे गले से नहीं बांधती आप। वाह बेटा वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रहने दीजिए पापा, आप नहीं समझेंगे। कितनी बार आप लोगों को याद है, उस वक्त मैं छोटा था, आप लोगों ने अपनी मनमर्जी मुझ पर थोपी, मैं मना करता रहा, लेकिन आप लोगों ने सब ठीक हो जाएगा करवा दी शादी, कहा निभा। और सच कहता हूँ, मैंने निभाने की पूरी कोशिश, जैसा परिवार आप लोग चाहते थे वैसा परिवार देने की पूरी कोशिश, बच्चे भी हो। अरे मुझे लगा वक्त के साथ मंगल बदल रहे, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं, कि नहीं मंगल नहीं बदली अम्मा, नहीं बदली, वैसी रही जैसी आप लोगों को पसंद। अरे उसकी कमी हर वक्त मुझे खलती रही, कितनी बार मैंने आपसे आकर बात करने की कोशिश, लेकिन आप हर वक्त बस मंगल का गुणगान गाती रहे। 15 साल से पत्थर रखकर अपने दिल पर इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से अम्मा। अच्छा, मंगल में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो तुमने अपने दिल पर पत्थर रख दिया? पापा आपको लगता है मंगल मेरे स्टेटस की है? हाँ, मैं एक पढ़ा लिखा सोफिस्टिकेटेड आदमी, एक क्लास है मेरा। आपको लगता है मंगल मेरे सोसाइटी में, मेरे प्रोफेशनल सर्कल में उठने बैठने लायक भी है? अरे शर्म आती है मुझे उससे अपने साथ कहीं लेकर जाने, कपड़े पहनने तक का ढंग नहीं है उसे, अभी से मुझसे उम्र में बड़ी लगती है। लेकिन आप लोगों को लगता है उदेंद्र रसोई में रहती है, खाना बनाना आता है, उसे सब कुछ आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को लगता है कि 15 साल से वो मेरा ख्याल रख रहे। अरे जिसे 15 साल मेरे लिए मेरे पसंद की ढंग की कॉफी बनाने नहीं, वो मेरे तौर तरीके, मेरी लाइफ स्टाइल क्या सीख लिया, फंसा दिया है आपने मुझे एक बेमेल रिश्ते में, जिसे 15 साल से मैं ढो रहा, घुट घुट कर जी रहा। अरे घर आने का दिल नहीं करता, एक बार खुशी का नहीं बिता सकता मैं मंगल के लिए मेरी खुशी। उसे पाने का हक है मुझे, प्लीज मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए। मंगल के साथ मैं खुश नहीं रह सकता, नहीं जी पाऊंगा मैं उसके साथ, ये समझने की कोशिश कीजिए।